हम जितवाएंगे उधर से इंडिया को, हम 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 उधर से हरवाएंगे यूएसए को, इधर से बेशक हम खुद अगला मैच हार दे। यार ये ऑब्वियस सी बात है कि कल भारत ही जीतेगा, आपने पहले तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था कि कौन जीतेगा। सर अगर इसके ऊपर भी आपने पूछना इंडिया वर्सेस यूएसए के ऊपर तो फिर मुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। क्या वजह है सबकी शादियां हुई और कमजोर हो गए हैं? ये तो उनकी बीवियों को पता करी क्या रहे हैं। इंडिया जो है वो हर फॉर्मेट में नंबर वन पे दुनिया के ऊपर अरूज कर। आई थिंक सो कि इंडिया जो इस वक्त सोच रहा है ना, आपने उनकी शक्लें देखी होगी, वो कह रहे यार ये भी टीम ऐसे ऐसे ऐसे, वो उनको ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। पागल भी होता मैं ना, मेरा दिमाग काम ना कर रहा होता तो तब भी शायद मेरे मुंह से निकल जाता इंडिया। देगा। इंडिया कर लेगा, पाकिस्तान को फेवर देगा, देगा फेवर वो। बाप बाप ही होता है, आपको ये पता है, बाप बेटा बेटे की तरह ही है ना, जो सीनियर है वो तो हाँ। आपको पता है विराट कोहली रोहित शर्मा हाँ। बापों के बाप। बुमराह आपने मजा चखा देना यूएसए के बैटर्स को, आई नो यू कैन डू इट, और आप बड़े कमाल के यार बॉलर हो। हमारे साथ ही अपसेट हो सकते हैं, इंडिया के साथ कभी अपसेट नहीं हो सकता। आई थिंक सो कि इंडिया एक बड़े मार्जिन से जीतेगा, यूएसए को हराएगा। सर उनको हमारी दुआओं की जरूरत है, मुझे ये पहले बताएं। मोस्टली तो हमारे बॉलर्स की शादियां नजर आ रही है, बाबर आजम की तो नहीं आई। सबसे खतरनाक बॉलर किसी के पास मुझे लगे हैं तो वो बुमराह और अर्शदीप। इंडिया अपनी नाक नहीं कटने देगा भाई, वो इंडिया की टीम है, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन की हुई है। बिकॉज हम लोग एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान को साथ में देखना चाहते हैं। अब हमारे पास शादियां करके फारिग हो चुके हैं। इंडिया इज अनबीटेबल टीम। वालेकुम अस्सलाम। इंडिया वर्सेज अमेरिका, पहले पाकिस्तान वर्सेज अमेरिका का तो हमने सारा देख लिया, अब इंडिया वर्सेज अमेरिका में क्या लगता है किस टीम ने जीतना है कल? यार ये ऑब्वियस सी बात है कि कल भारत ही जीतेगा, आपने पहले तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था कि कौन जीतेगा, क्योंकि इंडिया ने कसम उठाई है कि हमने स्ट्रीक्स बनानी है। आप अभी भी देख लें, ये 4x4 जाएगी यहाँ पर, बिकॉज दो मैचेस ऑलरेडी जीत चुकी है, एक उसने आयरलैंड से जीता, एक बदकिस्मती से पाकिस्तान से जीत लिया है, और थर्ड वन इज यूएसए। तो आई थिंक चूंकि इंडिया इज अनबीटेबल टीम, और भाई उनका मोरल बहुत हाई है, उनको कोई गिरा नहीं सकता, सिवाय एक टीम के जहाँ पर वो कह लें कि थोड़ा बहुत चौक या पैनिक हो जाता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का दुश्मन बना रहता है, जब सेमीफाइनल फाइनल आता है तो या तो पाकिस्तान को हरा देता है या इंडिया को हरा देता है। क्या दुश्मनी है ऑस्ट्रेलिया की? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कभी कभी या तो मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस ना, पता नहीं कौन सी दुश्मनियां निभा रहे हैं सदियों की। आते ही उन्होंने अभी भी स्टेटमेंट दी हुई है, आपने सुना होगा वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले उसने कहा कि भाई हमने इंडिया को काबू करना है, फिर से कुछ भी कर लो। और आई थिंक सो कि इंडिया जो इस वक्त सोच रहा है ना, आपने उनकी शक्लें देखी होगी, वो कह रहे यार ये भी टीम ऐसे ऐसे ऐसे, वो उनको ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह यूएसए ने फंसाया पाकिस्तान को, क्या कोई चांस है कि यूएसए इंडिया के साथ को टफ टाइम देगा या इंडिया इजीली जीत जाएगा? देखिए वैसे तो मैं पर्सनली मैं को मुझे लगती है वो इंडियन टीम ही है, वो उधर भी सारे वो इंडियन ही हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट 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 अगर बैट्समैन की बात करें, सुनील नारायण प्रेजेंट है उसके अंदर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो टीम कुछ करेगी नहीं? इस बंदे को आपने आईपीएल में खेलते हुए देखा होगा, क्या भाई लेवल का खेलता है ये बंदा। एंड आई थिंक सो उसके बाद अली खान है, अली खान भी काफी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कल का जो मैच है काफी इंटरेस्टिंग होगा, 50-50 भी आप देख सकते हैं, लेकिन इंडिया अपनी नाक नहीं कटने देगा। और वैसे भी पाकिस्तान लोगों की दुआएं भारत के साथ, कल के आपने मैच लाजमी जीतने, क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस नजर आएंगे आगे जाने के लिए। अच्छा, दुआ से बात आपने की, तो जिस तरह पाकिस्तानी टीम के लिए पाकिस्तानी दुआ करते हैं और पाकिस्तानी टीम कुछ नहीं करती, क्या पाकिस्तानियों की कल दुआ लग जाएगी और इंडिया? अच्छा, एक तो जीतना है, एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, तो 30-40 स्कोर से जीतना है। इंडिया कर लेगा, कर लेगा, इंडिया कर लेगा, पाकिस्तान को फेवर देगा, देगा फेवर वो। उसने क्या, मैं आपको लिटरली बताऊं, आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, आई वाज वाचिंग ऑन तमाशा, और 64 मिलियन लोग देख रहे थे स्टेडियम में अलग, 64 मिलियन, ये कोई कम है? ऑलमोस्ट बिलियंस के करीब ही जाने वाला था वो। एंड आई होप सो कि यहाँ पर भी आपने देखोगा कैसे लोग बाहर बड़ी बड़ी एलईडीज लगाकर बैठे हुए थे, इंडिया में भी यही सीन था, अमेरिका में भी यही सीन था, तो आईसीसी फेवर लाजमी करेगा, वो कहेगा इंडिया से थोड़ी बहुत तरस खा लो अपने भाइयों पर, कुछ ना कुछ करो। तो कल आई थिंक सो कि इंडिया एक बड़े मार्जिन से जीतेगा, यूएसए को हराएगा, और उसके बाद कह लेंगे जो पाकिस्तान के चांसेस है ना वो क्लियर हो जाएंगे। आपने आरसीबी को भी देखा होगा आईपीएल के अंदर, उसके चांस नहीं थे लेकिन गया ना खेलने के लिए, पाकिस्तान के भी हमेशा यही होते हैं। अच्छा, वो जो कहते हैं कुदरत का निजाम, एक हम हर वर्ल्ड कप में हर मैच में हम कुदरत का निजाम लेके आते हैं, क्या अभी कोई पाकिस्तान और का कुदरत का निजाम है कि इंडिया यूएसए को हरा दे और आयरलैंड भी यूएसए को हरा दे और पाकिस्तान दोनों मैच अपने जीत जाए? बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए आज का मैच तो डेफिनेटली सी बात है हम लोग जीत ही गए थे कनाडा के खिलाफ जो हुआ है, उसके बाद हमारा अगला मैच आयरलैंड के खिलाफ है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन बनी पड़ी है, क्योंकि उनको लाजमी जीतना पड़ेगा। बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि भाई अगर हमारी बॉलिंग लाइन बहुत मेहनत कर रही है, एंड बैटिंग लाइन बड़ी कमजोर जा रही है हमारी, लेकिन आई होप सो कि इसी बैटिंग। क्या वजह है सबकी शादियां हुई और कमजोर हो गए? ये तो उनकी बीवियों को पता करी क्या रहे हैं। क्या वजह, जो भी जिसकी शादी होती है उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, वो कमजोर होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल में उदासी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मुझे साथ ले गए शायद इसलिए कमजोर हो गए। ये मुझे
आई डोंट नो अबाउट दिस बट इंडिया क्या वजह है कि इनको कोई कुलचे शुलचे खाने चाहिए? नहीं यार देखो मोस्टली तो हमारे बॉलर्स की शादियां नजर आ रही है, बाबर आजम की तो नहीं ना हुई। हाँ नहीं बैटर्स की नहीं हुई लेकिन कमजोर बैटर हो गए हैं। बॉलर जिनकी शादियां हुई है वो बोरे कर रहे हैं, वो शायद दिन पर दिन जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। भाई हम और कवारे नहीं रह सकते, हमारी भी शादी करो। पर जोक से बात, कल डेफिनेटली सी बात है इंडिया कच्ची मार्जिन से जीतेगा, पाकिस्तान को आगे मौका मिलेगा, बिकॉज हम लोग एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान को साथ में देखना चाहते हैं एंड पीपल लव टू सी। आज भी आप देख लें, इतनी हाइप नहीं थी, मैच था पाकिस्तान का बट हाइप नहीं थी। इंडियन पाकिस्तान भाई फेवरेट है सबकी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तीनों फेवरेट है एक दूसरे की। और कहती इन तीनों को प्यार है एक दूसरे के साथ, कहती आज मैदान में एक दूसरे को चंगा कुट्टे पकड़ गए। तो आई होप सी कि कल का मैच बहुत अच्छा और लेवल का नजर आएगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इंडियन टीम के लिए मैसेज दे दें कि यूएसए को हरा दें, कोई मैसेज आपका, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो चाहते हैं कि इंडिया यूएसए को बड़ी बुरी तरह हराए, कोई मैसेज इंडिया टीम के लिए, कोई तल्ला पा दियो, कोई मिन्नत कर लो। नहीं नहीं इंडियन टीम के लिए स्पेशली इंडियन प्लीज, कल आपने बहुत अच्छा किया एंड बुमराह आपने मजा चखा देना यूएसए के बैटर्स को। आई नो यू कैन डू इट और आप बड़े कमाल के यार बॉलर्स हो एंड आई होप सो कि पाकिस्तान को अपना, हम आपके हमसाए हैं ठीक है, यूएसए आपका हमसाए नहीं, हम हमसाए हैं, तो हमें भी अपने साथ साथ लेके चलो, आप हमारे बड़े भाई हम आपके छोटे भाई, तो काइंडली कुछ ना कुछ कल करना और अच्छे मार्जिन से हराना और हम इंतजार करेंगे। वर्ल्ड कप जो है ना बड़ा सनसनीखेज हो गया, पाकिस्तान के कुदरत के निजाम जो है वो कभी कभी कहते हैं कि कुदरत का निजाम चल जाएगा, इस दफा चलेगा या नहीं, लेकिन कल का मैच पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया की बड़ी नजर होगी जो कि है यूएसए वर्सेस इंडिया। क्या लगता है हु विल विन? सर अगर इसके ऊपर भी आपने पूछना है इंडिया वर्सेस यूएसए के ऊपर तो फिर मुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हाँ। आप यकीन करें कि इंडिया जो है वो हर फॉर्मेट में नंबर वन पे दुनिया के ऊपर अरूज कर रहा है और हम एक 160वीं रैंक की टीम के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई हु विल विन। ऑफकोर्स डेफिनेटली नो डाउट, बिना सोचे, पागल भी होता मैं ना, मेरा दिमाग काम ना कर रहा होता तो तब भी शायद मेरे मुंह से निकल जाता इंडिया। अच्छा बड़ी बातें चल रही हैं कि जो यूएसए है उसकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अंडर 19 खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से और स्टेटस आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे इंडिया टीम से, तो क्या लगता है कि वो बदला लेंगे? सर बच्चे हैं वो और बॉस तो इंडिया की सीनियर टीम में ही है ना, वो जितने मर्जी इंडिया के प्लेयर हैं नो डाउट इंडिया से आए हुए, लेकिन बाप बाप ही होता है, आपको ये पता है, बाप बेटा बेटे की तरह ही है ना, जो सीनियर हैं वो तो आपको पता है विराट कोहली रोहित शर्मा बापों के बाप है, पूरी इंडिया में से अगर सिलेक्ट किए हुए तो मतलब कि उनसे तगड़ा तो कोई ना हुआ, तो बेशक अगर वो यूएसए में जाके खेल रहे हैं तो इट्स नॉट मीन के भाई वो इंडिया के बापों को जाकर टक्कर दे सकते हैं, तो बिल्कुल भी नामुमकिन वाली बात है। पाकिस्तान को हरा दिया तो ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ी टीम बन चुके हैं, वो वही उनका लेवल है जो T20 वर्ल्ड कप में पहली दफा खेले हैं। हमारे साथ ही अपसेट हो सकता है, इंडिया के साथ कभी अपसेट नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसी टीम T20 वर्ल्ड कप में है और पहला T20 वर्ल्ड कप खेले और पाकिस्तान को हरा दे, और पहला ऐसे कभी नहीं हो सकता कि पहला कोई T20 वर्ल्ड कप खेले जो इंडिया को हरा दे, ऐसा अपसेट सिर्फ हमारे साथ ही हो सकता है, सिर्फ हमारे साथ हो सकता है। अच्छा एक और बड़ी चल रही है चीजें और वो ये चल रही है कि पाकिस्तानी कल जो है ना बड़े हाथ उठा के दुआएं मांग रहे हैं कि इंडिया जो है यूएसए को हरा दे और बड़े मार्जिन से हरा दे, जिससे भी पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कल हमारी टीम इंडिया है, तो पाकिस्तानी जब इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो क्या अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, दुआएं करते हैं तो हम नहीं जीत पाते, क्या हमारी दुआएं काम आएंगी इंडिया के लिए? सर उनको हमारी दुआओं की जरूरत है, मुझे ये पहले बताएं, टैलेंट है उनके पास, उनके पास भाई ये पॉइंट, उनके पास वर्ल्ड का स्क्वाड है और ये दुआएं चाहिए हमारी टीम जैसे, हमारी जैसी टीम को, ठीक है, जिसके अंदर मेरिट का सिलेक्शन नहीं है, जिसके अंदर जो है वो 25 करोड़ की जो है वो मेरिट की लिस्ट को जो है वो टुड्डा मार के जो है वो सिफारिशी को लेके आया जाता है, हमारे जो है मुंह पे चपेट है मार के जो है वो पैसे कमा रहे हैं, हमारे टैक्सों के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट भाई वो इंडिया की टीम है, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन की हुई है, तो नो कोई ऐसा जो उनको दुआओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं नहीं उनको दुआओं की जरूरत नहीं है, ये हमारी जैसी टीम की जरूरत होती है। अच्छा यूएसए की जो पिचेस हैं वो बॉलिंग को बड़ा सपोर्ट कर रही हैं और इंडियन जो बॉलर्स हैं उन पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कहा जाता है कि सिर्फ इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, बैटिंग स्ट्रांग है, तो क्या आप 50-50 वाला सीन नजर आ रहा है आपको कि बॉलिंग जो है बुमराह हो गया, सिराज हो गया, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जडेजा, ये भी बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं? यार देखें अगर इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर मैं कोई बताऊं ना, सबसे खतरनाक बॉलर किसी के पास मुझे लगे हैं तो वो बुमराह और अर्शदीप है, ठीक है, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह अर्शदीप की इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, तो वो यार अनबिलीवेबल देखने वाली ये चीजें, हम शहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद आमिर से हम तो कहते थे कि हमारा खतरनाक अटैक है लेकिन परफॉर्म तो उनका अटैक कर रहा है, ये तो बात है, लेकिन अब हमारे पास शादियां करके फारिग हो चुके हैं, ठीक है, इनको बच्चे शादियों के बाद ये कमजोर क्यों हो गए? मैं अब क्या बता सकता हूँ, शादियों के बाद इन्होंने क्या काम शुरू किया हुआ है,
इनको चाहिए साल के बाद जो है वो बीमियों से एक मुलाकात करवाई जाए ताकि पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस अच्छी रहे। पाकिस्तान या फिर इनको ये उसूल रख देना चाहिए कि शादी जो है वो जब तक आपने पाकिस्तान की टीम में खेलना है तो शादी ही ना करवाएं इनकी, ठीक है। जब खेल लें, जब रिटायर हो जाए उसके बाद शादी कर लें। अगर आपने वतन के लिए करना है तो फिर कर लें, तो जब आप शादी कर ली या फिर वतन के लिए भी खेलना है तो फिर थोड़ा किसी की तरफ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर बीवी को थोड़ा कम टाइम दे लें, प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा टाइम दे लें। तो चीजें ये है कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो इस टाइम कह लें कि अगर गलत भी इस फाज जूत का तो फुद्दू हो चुकी हुई है, फुद्दू हो चुकी हुई है। अच्छा मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, क्या हो चुकी है, खसी हो चुकी है। अच्छा मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि कल इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान की उम्मीदें जागेंगी? सर दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है? मुझे पता क्या लगता है, हम जितवाएंगे उधर से इंडिया को, हम उधर से हरवाएंगे यूएसए को, इधर से बेशक हम खुद अकेला मैच हार दें। ये तो बड़ा उनको जितवा रवा के एंड में खुद अपना मसला बना बना, वही ना, इधर करवा उधर करवा, हमें किस चीज की टेंशन के लेने जाए, भाड़ में जाए, हमारी तरफ से लाख लाना था, हमें जरूरत नहीं है, ये अभी आ जाए वो बेहतर है, बजाय कि बाद में ये हार के वापस आए, ज्यादा दिल टूटे, तो बेहतर है अभी वापस आ जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया।